नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। आज हैं हम हिंडौन कार्यालय एसडीओ साहब के कार्यालय में, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए आई हैं अपनी मांगों को लेकर एसडीओ साहब के पास में। तो मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। और अभी एसडीओ साहब के अंडर में 5 महिला अलाउ करी हैं साहब ने। एक मिनट, नहीं पंचायत से अरेंज करवा दो, उसके बाद फिर अपने नए वाले की बात करेंगे। सुधार सर, हमारी मांग ये है कि आंगनबाड़ी बहनों को नियमित किया जाए, क्योंकि सर इनका शोषण हो रहा है। आंगनबाड़ी बहनों को कभी मतलब इनकी सरकार ध्यान ही नहीं देती। हाथ लगा लें आप। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मैं देगी सरकार को। ठीक है, नहीं सर कागजों में नहीं रहना चाहिए, पहुंचना चाहिए सर। हमारे ये तो पहुंचेगा, इसे पहुंचने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, आप हमारा सहयोग करें, ऐसा ना हो कि ये कागज यहीं रफा दफा हो जाए। हम ये कागज हम दे चुके हैं यहाँ पे। हाँ, ये नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं। तो ये तो देखो, कर ज्ञापन जो भी आते हैं ना, वो सारे आप जिसके नाम देते हो ना, मुख्यमंत्री के नाम देते हो तो मुख्यमंत्री जी के पास, और राज्यपाल जी के नाम देते हो तो राज्यपाल जी के पास, और राष्ट्रपति जी के नाम देते हो वो भी वहां तक पहुँचते हैं। नहीं सर, कार्रवाई करना तो उनका क्षेत्राधिकार। हाँ, लेकिन सर हमारा सहयोग आप जरूर करो सर, हमारी मांगों को आगे रखो। ठीक है, एक मिनट रुकना आप, भेजना। अच्छा। हाँ सर, जो आप मांगे लेके आएंगे ना, उसके पूरी बताएं आप कौन कौन सी मांगों को लेके एसडीओ साहब को आपने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है ना आपने, तो उसके बारे में पूरी बताएं आप। सर, आंगनवाड़ी बहनों की पहली मांग ये है कि हमें एक मिनट सर, पहले तो मैम आपका नाम और आपको जैसे कौन सा पद है उसके बारे में बताएं आप। सर, मेरा नाम सुनीता मीणा है, मैं सूरत सेक्टर 5 से हूँ, कार्यकर्ता के पद पर हूँ। और सर, हमारी सभी बहनों की यही मांग है कि यानी हमें नियमित किया जाए, और फिर जो बहन हमारे आज से मतलब 35 साल हो गए हैं, वो काफी दिन से काम कर रही है, लेकिन उनको आज तक कोई लाभ भी नहीं मिला है। और अब जो बहन हमारी पढ़ लिखी है उनको भी कोई वो नहीं है, शोषण हो रहा है, किराए पे भवन चला रहे हैं, उनके लिए कोई सरकारी भवन नहीं है, तो सरकार इन पे ध्यान क्यों नहीं देती? हालांकि पैसे काफी वो करते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों तक कुछ नहीं आता है, कुछ रफा दफा वहीं पे होते हैं। सरकार की तरफ से आपको मोबाइल वगैरह भी जनरेट किया ना? लेकिन वो मोबाइल सर बहुत सुनते ही नहीं है। अच्छा, लोकेशन का दिया जा रहा है, जो कि एक शिक्षा विभाग में एक थर्ड ग्रेड का टीचर मान लो 50,000 से चालू होते हैं या 30,000 से चालू होते हैं और 90,000 तक प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं ली जा रही है, और एक कार्यकर्ताओं से लोकेशन ली जा रही है। तो इस सरकार महिलाओं का शोषण कर रही है, वैसे कहती है कि महिलाओं को मतलब सम्मान दिया जाता है, लेकिन कहाँ महिला, एक कार्यकर्ता होती है आंगनवाड़ी विभाग की, मतलब जो गर्भवती होती है ना उसी से ही शुरू होती है, और जब 5 साल तक का बच्चा हो जाता है ना, पार पोस्ट के तैयार फिर स्कूल में भेजा जाता है। स्कूल में भी भेजने के बाद जो प्रिंसिपल वगैरह होता है वो सारी रिपोर्ट हमसे ही लेते हैं, चिकित्सा विभाग है वो भी हमसे ही लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है कि अगर आंगनवाड़ी बहने हैं, सरकार चाहे तो उनसे पढ़ी लिखी महिलाएं जो अनुभव है, जैसे 35 साल हुए कई महिलाओं को, तो उन अनुभव के आधार पर स्कूल में जोड़ा जाए, उनसे जैसे थर्ड ग्रेड टीचर से काम लिया जाता उसी तरह उनसे भी मतलब काम लिया जाए, और रिटायरमेंट में पेंशन दी जाए, और जो लाभ है सरकार द्वारा और विभागों को दिया जाता है चाहे आंगनबाड़ी महिलाओं को भी दिया जाए। अभी आप क्या सूरोट हिंडौन तहसील से आए हैं या सूरोट ये जितनी भी महिलाएं हैं अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और ये अपनी मांग को लेकर एसडीओ साहब के यहाँ कार्यालय में आई हैं और ये प्रदर्शन भी कर रही हैं और सरकार के से मांग कर रही हैं अपनी, और भी कोई बहन जी हैं जो बोल सकें? चुनाव अगर महिलाओं को वोट नहीं दिया, नहीं सर वो अगर महिलाओं को हक नहीं दिया गया तो वो मांगें नहीं पूरी की गई, तो अगली बार जो चुनाव होंगे उनमें
हम वोट नहीं देंगे, ना देने देंगे महिला किसी को भी अपने घर परिवार में किसी सदस्य को नहीं। फिर एक तारीख मतलब एक तारीख से आपने क्या आंगनबाड़ी तुम्हारे तक बंद रहे? अच्छा, जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी बिल्कुल लगाया जाता है 1 रुपए, जबकि टीचरों को लगाया जाता है उनको पैसे दिए जाते हैं, तो आंगनबाड़ी बहन सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? और क्या हम उसमें काम करते हैं? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? महिलाओं को पेंशन मतलब रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट दिया जाए और पेंशन भी दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, 60 साल के बाद में जो भी हाँ जिस सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए पूरा आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके जैसे रिटायरमेंट के बाद में क्या ना कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार की जो? अच्छा अच्छा, आपने पहले भी मतलब क्या ज्ञापन वगैरह दिए हैं कि सरकार की? अभी क्या आपके केंद्र बिल्कुल बंद हैं? एक तारीख एक दिसंबर से आपने अनिश्चितकालीन के लिए आपने बंद कर दिए हैं। अच्छा अच्छा, पूरा जैसे आपके राजस्थान में जितने भी राजस्थान में जितनी भी आपकी कार्यकर्ता हैं उनका आपने ग्रुप वगैरह बना रखा होगा? तो 16 तारीख से आप आंदोलन करेंगे राजस्थान से पूरी जयपुर कूच करेंगी, या तो सरकार हमारे 15 दिन में मांग पूरी कर दे बिल्कुल। मैं आपको लाइव तस्वीरों कहते हैं महिला आ गए हैं और महिला सबसे पीछे पड़ी मतलब पीछे पड़ी हैं। अच्छा, ये सरकार से काफी मांगे कर रही हैं। हाँ, इनका कहना है कि हमारा शोषण किया जा रहा है। आपकी सैलरी कितनी मिलती है बेना? 8400 मिलती है कट फिट के? उसमें भी सर टू कॉपी इनमें चले जाते हैं, काफी पैसे कॉपी दो उसकी कॉपी दो सर, हमारा खर्चा भी नहीं चलता है उससे, तो हम कैसे चला है? जो आपके लिए जो मोबाइल मिले हैं वो जो मोबाइल मिले हैं क्या उनके लिए सरकार क्या नेट वगैरह देती है आपको? मतलब आप राज्य सरकार का अलग और केंद्र सरकार का अलग 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 आपको पैसा मिलता है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बताएं आप, बताओ ना बेना बहन, डरने वाली बात नहीं है, आप बताएं अपने हक के लिए, हर कोई बोल सकता है। जो ना पोषण पोषण वितरण करती है सहायिका कार्यकर्ता, बच्चों के लिए जो खाना आता है उसको पकाने के लिए बोला जाता है कि बच्चों को पका के अपने आंगनबाड़ी पे खिलाओ, लेकिन उनके लिए ना तो कोई ईंधन वगैरह आता है, ना कोई खर्चा मिलता है, कोई बर्तन ना कोई बर्तन मिलता है, सिलेंडर वगैरह भी नहीं मिलता है, और नहीं लकड़ी के लिए तो सरकार ने मना कर रखा है ना, लकड़ी बच्चों को पका के नहीं खिलाते, तो बच्चे आते नहीं आंगनबाड़ी पे, बच्चों के लिए कहाँ से आएंगे बच्चे, बच्चों के लिए खाने को नहीं मिलेगा, बस वो तो 1 महीने में मुंह दिखाने आते हैं कि हाँ राशन दे दो हमें, और फिर दोबारा दिखाते नहीं है, क्यों? बच्चों को मिलता नहीं खाने के लिए, ना कोई सरकारी सरकारी लाभ पहले मतलब दूध वगैरह की मिली आपसे एक निवेदन है कि आप थोड़ा सा नीचे चले और नीचे और चर्चा करेंगे इस पे है आप, क्योंकि अभी SDO साहब के कार्यालय के सामने हैं तो काफी लोग आते रहते हैं, और मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से ये सरकार से गुहार लगा रही हैं ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कि हमारी मांगों को जल्द यदि पूरा नहीं किया तो हम 16 तारीख से उग्र आंदोलन करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। अपने अपनी कॉपी है ना ज्ञापनों की है ना, अपने अपने हाथ में ले लेना। मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं अपनी मांगों को लेके ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता SDO कार्यालय में आई और प्रदर्शन भी किया, और सरकार के खिलाफ में इन्होंने कहा है यदि चुनाव आएगा यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम ये अभी SDO कार्यालय के सामने हैं, तो अपनी जितनी भी महिलाएं हैं इधर एक साइड में हो जाएं, सभी ग्रुप बना लें।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा ग्रुप बना लेना एक थोड़ा सा आपकी। इन्होंने अपने हाथ में जो ज्ञापन की कॉपी ले रखी है और आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा मैं कि जो इन्होंने अपनी मांग रखी है वो काफ़ी मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए और जो अपने रिटायरमेंट है रिटायरमेंट पे जो इनका सिस्टम होता है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए। और इन्होंने अपने 16 तारीख से और वैसे तो 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन का धरना, मतलब इन्होंने अपना कोई भी केंद्र है सभी केंद्र अपने बंद कर रखे हैं। पूरे राजस्थान के केंद्र बंद हैं क्या? है ना पूरा राजस्थान, पूरे राजस्थान बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, और मैं ऐसी खबरें आपको अपडेट कराता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।